मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी मिशन एडमिशन। जाड़े की सर्द सुबह जैसे ही अलार्म बजा, सुरभि बिस्तर से उछल पड़ी। सर ढककर सोते हुए राहुल की रजाई खींचते हुए सुरभि बोली, उठो, याद नहीं है आज 8 बजे फॉर्म मिलने हैं। राहुल ने रजाई यूं फेंकी जैसे बदन से कोई सांप झटक रहा हो। आज राहुल का इम्तिहान था। बेटे अभिमन्यु यानी अभी के नर्सरी एडमिशन के लिए फॉर्म लाने का इम्तिहान। इससे पहले वो शहर के 2 सबसे अच्छे स्कूलों के फॉर्म लाने में असफल रहा था। पहली बार जब राहुल पहुंचा तब तक फॉर्म खत्म हो चुके थे। दूसरी बार राहुल समय से पहले जाके क्यू में खड़ा हो गया था, लेकिन फॉर्म बटना शुरू होते ही सारे पेरेंट्स यूं धक्का मुक्की करने लगे मानो किसी सलमान खान स्टारर मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के मुफ्त में टिकट बंट रहे हों। राहुल जब तक संभलता, लोग उसके पैरों को रौंदते हुए आगे बढ़ गए थे और फॉर्म खत्म हो गए थे। अपने पैर के जख्मी अंगूठे पे दवा लगाते राहुल को सुरभि फॉर्म न ला पाने पे ताने देती रही थी। इसीलिए आज राहुल ने अपने सबसे मजबूत जूते और स्पोर्ट्स आउटफिट पहन के दोनों हाथ शाहरुख खान के अंदाज में फैला के देखा कि कपड़े टाइट तो नहीं है। लगभग दौड़ता हुआ राहुल घर से निकला तो लिफ्ट के बाहर उसका कलीग सुधीर मिल गया, जो अपने 6 महीने के बच्चे को शायद धूप सेकवाने ले जा रहा था। राहुल को देखते ही सुधीर ने कहा, अंकुर बेटा, अंकल को टाटा कर दो। राहुल ने भी हाथ हिला दिया, लेकिन अंकुर ने पूरी जीभ बाहर निकाल दी। फिर तो लिफ्ट की 12वीं फ्लोर से नीचे आने तक दोनों हाई प्रोफाइल मैनेजर, जो ढीठ से ढीठ बंदों से काम करवा लेने का दम भरते थे, एक बच्चे से टाटा करवाने की कोशिश में एक दूसरे को हाथ हिलाते रहे, लेकिन वो शैतान लिफ्ट के रंग बिरंगे बटनों की तरफ लपकता रहा। सुधीर ऐसे सफाई दे रहा था जैसे टाटा न करके अंकुर ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। आसपास के लोग इन दोनों वयस्कों को टाटा करते देख के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन राहुल को सुधीर पर दया आ गई। किसी 6 महीने के बच्चे के टाटा न करने का, 1 साल के बच्चे का नमस्ते न करने का, या 3 साल के बच्चे का ट्विंकल ट्विंकल न सुनाने का दर्द सिर्फ माँ बाप का दिल ही समझ सकता है। राहुल खुद न जाने कितने ऐसे दर्द महसूस कर चुका था और न जाने कितने ऐसे दर्द अभी मिलने बाकी थे, वो सोचने लगा। कार चलाते हुए राहुल पुराने दिन याद करने लगा। अभी के पैदा होने के ठीक 15 दिन बाद पड़ोस के घर में उसकी प्रतिद्वंदी परी पैदा हो गई थी, जिसकी माँ और सुरभि के बीच जैसे डेली कंपटीशन शुरू हो गया था। दोनों में से जो भी बच्चा कोई नया काम करता, जैसे करवट लेना या लेटे लेटे साइकिलिंग करना, उसकी माँ उस दिन की अघोषित चैंपियन बन जाती। अभी ने परी से पहले घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया तो सुरभि फूली नहीं समाई, लेकिन शाम को उसकी खुशी गायब हो गई जब परी की मम्मी आके बोली, आपका दूध वाला आया क्या? अब हमें ज्यादा दूध लेना पड़ेगा, आजकल परी दिन में 1 लीटर दूध पी जाती है। 1 लीटर दूध? अभी तो आधा लीटर भी नहीं पीता। उसके जाते ही सुरभि ने अभी को गोद में लिटाकर उसके दोनों हाथ पकड़कर चम्मच से उसको 1 ग्लास दूध पिला दिया। फिर अभी को सोफे पे बिठा के गर्व से बोली, देखा? लेकिन उसी वक्त अभी के मुंह से दूध का फव्वारा सा निकला और सुरभि इस फव्वारे को कैच करने की कोशिश में पूरी भीग गई। ये कैचम कैच कुछ दिन चला, लेकिन अभी जल्दी ही दौड़ने लगा और पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया, जिसमें आगे आगे अभी और पीछे पीछे दूध का ग्लास लिए सुरभि दौड़ती थी। अभी के परी से पहले चलना शुरू करने पे उसकी माँ सुरभि ऐसे खुश हुई जैसे कोई मैराथन जीत ली हो, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा नहीं टिकी। राहुल ऑफिस से आया तो सुरभि एक बादाम लेके बादाम बादाम चिल्ला रही थी और अभी एक हाथ से खिड़की की ग्रिल से लटका हुआ सर्कस कर रहा था। रोनी सी आवाज में सुरभि बोली, पता है आज परी बोली मुझे बादाम चाहिए। तो घर में बादाम नहीं थे क्या? सुरभि भड़क गई। मैं कह रही हूं वो कैसे पूरे पूरे सेंटेंस बोल लेती है, एक अभी है, कभी बाम बोलता है, कभी दाम बोलता है, पर पूरा बादाम क्यों नहीं बोल पाता। राहुल के समझाने पर भी सुरभि का मूड ऑफ रहा। बात सिर्फ बादाम की तो नहीं थी ना, परी को हाउ डू यू डू पूछने पे वो फाइन थैंक यू भी बोलती थी।
गनीमत थी कि परी के अखरोट किशमिश वगैरह बोलना शुरू करने के पहले ही उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई। आज गाड़ियों की लंबी कतार से राहुल का ध्यान टूटा। वो स्कूल पहुंच गया था। हाथ में फॉर्म लहरा के आते हुए राहुल को लगा जैसे कोई जंग जीत ली हो, लेकिन उसको नहीं पता था कि जंग तो अभी शुरू हुई है। स्कूल का एडमिशन फॉर्म आना मुसीबतों का अंत नहीं बल्कि शुरुआत था, ये राहुल को अगले ही दिन पता चल गया। सुरभि मुंह में पेन दबाए फॉर्म हाथ में लिए सोच में डूबी थी। राहुल हाथ में चाय का कप लिए पेपर पढ़ते हुए हाँ हूँ कर रहा था। सुरभि ने पूछा, इसमें लिखा है हम अपने बच्चे को इसी स्कूल में क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि दूसरे दो स्कूलों के फॉर्म नहीं मिले? राहुल ने बिना नजरें उठाए कहा तो सुरभि ने चिढ़ के अखबार छीन के जमीन पे फेंक दिया। बस हो चुका एडमिशन, सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूं? इससे पहले कि सुरभि राहुल को उसकी पिछले 7 सालों की सारी बेवकूफियां गिनवा दे, राहुल ने सुझाव दिया, अरे अपनी सहेली शालू से पूछ लो ना, आखिर इंग्लिश लेक्चरर है। पति के मुंह से आखिरकार समझदारी की बात सुनकर सुरभि फोन की ओर बढ़ गई। शालू ने जरूर कुछ कठिन शब्द नोट करवाए होंगे क्योंकि सुरभि फोन रख के डिक्शनरी लेके बैठ गई। अगले रविवार दोपहर की नींद कुर्बान करके जब दोनों पति पत्नी शालू के घर पहुंचे तो शालू ने एक किताब उनकी तरफ बढ़ाई, हाउ टू राइट परफेक्ट एसेज। शालू पागल हो क्या, अरे 3 साल के बच्चे से ऐसे कौन लिखवाएगा? सुरभि बोली, अरे बेवकूफ ये किताब तुम्हारे लिए है, मेरे एक फ्रेंड को बच्ची के एडमिशन के लिए स्कूल में ऐसे लिखने को दिया गया था परफेक्ट पेरेंटिंग पे, और पता है वो दोनों फेल हो गए। वैसे तुम दोनों की इंग्लिश तो ठीक ठाक है ना? राहुल की हालत उस योद्धा की तरह हो गई थी जिसको बहुत सारे अवार्ड मिलने के बावजूद किसी ने बरसों पुरानी शर्मनाक हार याद दिला दी हो। वो उस दिन को कोसने लगा जब उसने सुरभि को अपने 8वीं क्लास में इंग्लिश में फेल हो जाने की बात बताई थी। उसको अपने IIT में टॉप करने पे इतना गर्व कभी नहीं हुआ था जितनी इस बात पे आज शर्म आ रही थी। सर झुका के वो अभिमन्यु के शू लेसेस बांधने लगा। खैर, तरस खा के शालू ने वादा किया कि वो 2-3 ऐसे लिख के दे देगी, उनको सिर्फ रट्टा मार के जाना होगा। लेकिन जब स्कूल का कॉल लेटर आया तो उसमें लिखा था कि स्कूल बच्चों का इंटरव्यू लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन के लिए पेरेंट्स और बच्चे को बुलाया गया था। दोनों खुश हो गए क्योंकि अभिमन्यु स्मार्ट बच्चा था, लेकिन अभी क्या पता था कि ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन कितना भारी पड़ेगा। एडमिशन के लिए स्कूल पहुंचते ही एक टीचर ने लंबी चौड़ी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहा तो अभी जोर से बोला, आपके दांत इतने गंदे क्यों हैं? आप ब्रश नहीं करती? राहुल और सुरभि का चेहरा लाल हो गया। अब अगला पड़ाव खिलौनों से भरा एक हॉल था। हॉल के कोने में बैठे राहुल और सुरभि हसरत भरी निगाहों से सफेद फ्रॉक और घुंघराले बालों वाली उस बच्ची को देख रहे थे जो अपने नन्हे हाथों से बनी काल्पनिक मछली को अंगूठों से काल्पनिक फिन्स बनाकर तैराती हुई झूम झूम के मछली जल की रानी है गा रही थी। दूसरी तरफ अभी को एक बच्चे से कार के लिए छीना झपटी करते देख के सुरभि ने आंखें बंद कर ली। राहुल मन ही मन दांत पीस रहा था, और बनाओ बेटे को स्ट्रांग, जब परी के खिलौने छीन के लाता था तो ऐसे खुश होती थी जैसे फौजी बेटा दुश्मन देश के टैंक उठा लाया हो। एक टीचर ने अभी को एक चौकोर ब्लॉक दिखा के पूछा, बताओ ये क्या है बेटा? अभिमन्यु ने टॉय ट्रक फर्श पे दौड़ाते हुए कहा, आप बताओ आप बताओ। टीचर ने शायद उस पर टाइम वेस्ट करना बेकार समझा और उनको प्रिंसिपल से इंटरेक्शन के लिए भेज दिया गया। थानेदार की मुद्रा में बैठी हुई प्रिंसिपल मैडम ने सर झुकाए बैठे पति पत्नी से कुछ सवाल पूछते हुए अभी को चॉकलेट दी। जब अभी ने चॉकलेट लेके थैंक यू कहा और डस्टबिन ढूंढकर चॉकलेट का रैपर उसमें डाला तो दोनों पति पत्नी यूं उत्साहित हो गए मानो युद्ध के आखिरी चरण में हारती हुई सेना में किसी ने जान फूंक दी हो। मुंह साफ करने के लिए मैडम ने अभी को टिश्यू पेपर दिया और हायरी किस्मत अभी की नजर प्रिंसिपल की चेयर के दूसरी ओर रखे डस्टबिन पे पड़ी। जब तक राहुल और सुरभि कुछ समझ पाते अभी ने टिश्यू को हथेलियों से गोल करके डस्टबिन की ओर फेंक दिया।
बेचारा बदकिस्मत टिशू डस्टबिन तक ना पहुंच के मैडम के ऊपर गिरा और उसके एडमिशन की सारी उम्मीदें डस्टबिन में। मैडम ने चौंकते हुए कहा, डोंट थ्रो इट ऑन मी, लेकिन उनकी नाराजगी साफ थी। सुरभि और राहुल का दिल कर रहा था कि काश दोनों अपनी अपनी कुर्सियों में ही समा जाएं। लौटते समय कार में मम्मी पापा की डांट के बीच अभी उनको समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि उसने टिश्यू डस्टबिन में फेंका था, न कि मैम के ऊपर। खैर, कड़वा सच यही था कि इस स्कूल में एडमिशन की उम्मीद पे उस टिश्यू ने पानी फेर दिया था। शहर के तीनों सबसे अच्छे स्कूलों में एडमिशन की उम्मीदों पे पानी फेर चुका था। ये वो स्कूल थे जिनसे सबसे ज्यादा बच्चे IIT और मेडिकल में सिलेक्ट होते थे। अब अभी के लिए एक नॉट सो गुड स्कूल का फॉर्म भरा गया। सुरभि ने घर की सारी दीवारें ABCD 1 2 3 4, फ्रूट्स, एनिमल के चार्ट्स वगैरह से भर दी थी। अब उनके टीवी में न्यूज या सास बहू के सीरियल नहीं, बल्कि नर्सरी राइम की CD प्ले होती थी और थैंक यू, वेलकम, सॉरी जैसे शब्द मेड के मुंह से भी सुनाई देने लगे थे। स्कूल में रिटन टेस्ट देने गए अभी का सुरभि और राहुल यूं इंतजार कर रहे थे मानो बेटा IAS का पेपर देने गया हो। टेस्ट के बाद सुरभि ने पूछा तो अभी ने गर्व से कहा, मैंने सब कर दिया, ड्राइंग, पेंटिंग, A for Aeroplane और C for Cat भी मैच कर दिया, कह के अभी दौड़ के झूले पे चढ़ गया। सुरभि ने राहत की सांस ली ही थी कि अभी झूला झूलते हुए जोर से चिल्लाया, और हाँ, मैंने बीफ और मशरूम भी मैच कर दिया। इस बीफ और मशरूम का इतना गहरा असर हुआ कि कुछ दिनों तक सुरभि को मशरूम की सब्जी बनाने में भी डर लगता रहा। पर किस्मत अच्छी थी कि अभी का इस स्कूल में सिलेक्शन हो गया। स्कूल शुरू हुए कुछ महीने हो गए थे। अभी अब पीठ पे स्पाइडरमैन वाला बैग लेकर, कंधे पे डोरेमोन वाली बॉटल लटकाकर स्कूल जाने लगा था। मेहमानों को अब चाय के साथ अभी की स्कूल में सीखी हुई हाथी राजा और टेडी बेयर वाली पोएम भी परोसी जाने लगी थी। लेकिन सुरभि अभी भी खुश नहीं थी। उसको दुख था कि बेटा बेस्ट स्कूल में नहीं जा पाया था। एक दिन सुरभि ने राहुल को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारे दोस्त समीर की साली के ससुर के दोस्त किसी पॉलिटिकल पार्टी में है ना, उनसे कौन है अभी के लिए? अभी का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना भाई? राहुल ने चौंकते हुए लैपटॉप से नजरें उठाई। समझते तो हो नहीं, वो अगले सेशन में अभी के बेस्ट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं कर सकते क्या? राहुल सोच में पड़ गया। समीर से ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं थी, फिर उसकी साली के ससुर के दोस्त से प्ले स्कूल में एडमिशन की सिफारिश के लिए कहना। लेकिन सुरभि तो आजकल धोबी और दूध वाले से भी टोह लेती रहती कि शायद कोई सिफारिश निकल आए, पर कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अभी का स्कूल शुरू हुए कई महीने हो गए थे, लेकिन राहुल अभी भी डरा हुआ रहता था कि न जाने कब सुरभि फिर से एडमिशन की सिफारिश की बात छेड़ दे। राहुल ऑफिस से आकर सोफे पे बैठकर जूते खोल ही रहा था कि सुरभि ने फिर से एडमिशन पुराण छेड़ दिया। तभी दूसरे कमरे में फोन बजा तो राहुल ऐसे खुश हुआ मानो स्कूल में टीचर के सवाल का जवाब ना आ रहा हो और तभी छुट्टी की घंटी बज गई हो। फोन अटेंड करने गई सुरभि ने कुछ ही देर में खुशी से दौड़ते हुए आके अभी को गोद में उठा लिया। अभी अपनी टांगे फड़फड़ाता हुआ चीख रहा था, छोड़ो मम्मी, लेकिन तब तक सुरभि ने उसको हवा में फिरकी की तरह झुलाते हुए, गोल घुमाते हुए 3-4 चक्कर लगा दिए। राहुल की लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियां रुक गईं। सुरभि के उत्साह से लग रहा था कि कोई लॉटरी लग गई है। उफ, ये ठग भी ना आजकल हाईटेक हो गए हैं। फोन करके कहते हैं कि आपकी 20 लाख की लॉटरी लगी है, 50,000 हमारे अकाउंट में जमा कर दो। पर सुरभि इतनी पढ़ी लिखी होके ऐसे चक्कर में कैसे फंस गई भाई? अभी को नीचे उतार के सुरभि राहुल के गले में बाहें डालती हुई बोली, I am so happy, गेस वॉट। राहुल उसको शक की नजरों से देखते हुए बोला, लगता है तुमको फोन पे किसी ठग ने लॉटरी लगने की खबर सुनाई है, अखबार नहीं पढ़ती हो क्या? सुरभि हंसते हंसते सोफे पे लुढ़क गई। अरे बाबा, लॉटरी एजेंट का नहीं, मेरी सहेली का फोन था। पता है अभी के स्कूल के 4 बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए हैं और उन तीनों बेस्ट स्कूलों का एक भी नहीं। तो अरे मतलब ये कि अभी का स्कूल अब बेस्ट स्कूल से भी अच्छा हो गया है। तो क्या अभी का स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है? राहुल कंफ्यूज था।
बिल्कुल नहीं। अब तो मेरी सहेलियां मुझसे टिप्स लेंगी अपने बच्चों के अभी के स्कूल में एडमिशन के लिए। राहुल सर खुजलाते हुए सोच रहा था, अभी के नर्सरी से 12वीं तक पहुंचने तक कितनी बार इसका स्कूल अच्छा या बुरा साबित होगा और कितनी बार सुरभि का मूड बदलेगा। बेहतर है कि इस दिवाली पे समीर की साली के ससुर के दोस्त के घर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स लेके चलाई जाऊं। उधर बेतहाशा हंसती मम्मी और सोच में डूबे हुए पापा से बेखबर अभी पापा के व्हाइट स्पोर्ट शूज को ब्लैक पॉलिश लगा के चमकाने में लगा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।